नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जस्ट डॉग इट पर। दोस्तों, अगर आपके पास डॉग है या कैट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर नहीं है और आप लेने की सोच रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ कि डॉग को जो ईयर्स का इन्फेक्शन होता है, मतलब कि आपके डॉग को या कैट को जो कानों का जो इन्फेक्शन होता है वो क्यों होता है, उसका क्या रीज़न होता है, जो कानों का इन्फेक्शन होता है उसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में जो हूँ मैं आपको, जब आपके डॉग के कान में इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसका एक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, जो कि मात्र 270 रुपये में आपको मेडिसिन लेके आनी है और उससे घर में आप साफ करेंगे और बिल्कुल आपका कान का जो इन्फेक्शन है आपके डॉग का वो बिल्कुल दूर हो जाएगा और आपका डॉग जो है हेल्दी फील करेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, सॉल्यूशन को जानने से पहले, हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार डॉग के कान में इन्फेक्शन होता क्यों है। दोस्तों, डॉग के कान में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए कहीं ना कहीं ओनर ही जिम्मेदार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, हम भी ओनर हैं डॉग के, हम तो अपने डॉग को इतने ध्यान से रखते हैं, फिर हम कैसे जिम्मेदार हों। भाई क्या कह रहा है, भाई तो एक हिसाब से ब्लेम कर रहा है हमारे ऊपर कि ओनर ही जिम्मेदार है। तो दोस्तों, जाने अनजाने में आप ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं डॉग्स के कान में इन्फेक्शन के लिए। आप जिम्मेदार कैसे होते हैं, जब आप अपने डॉग को नहलाते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से नहला के उसके शरीर का पूरा पानी साफ कर देते हैं, मगर नहलाते समय डॉग के कान में जो पानी जाता है आप उस पानी को साफ नहीं करते हैं, जिससे वहाँ पे उसको कान में खुजली होने लगती है आपके डॉग को और आपका डॉग जो है पंजे से खुजाता है। जब डॉग पंजे से खुजाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका नाखून जो है कहीं ना कहीं लग के वो छिल जाएगा। बस अगर वो छिल गया है वहाँ पे तो बाकी का काम मक्खी मच्छर कर देंगे वहाँ पे उस घाव पे बैठ के। और आप जानते हैं कि अगर डॉग के घाव पे मक्खी या मच्छर बैठते हैं तो वहाँ पे वंडे देते हैं और वहाँ पे स्थिति बहुत ही खराब होनी शुरू हो जाती है। इसका कारण क्या होता है कि हमारा डॉग जो है बारिश में घूम रहा है, बारिश में घूम रहा है तो बारिश में वो भीग आया, क्योंकि बहुत सारे डॉग्स को पानी बहुत पसंद होता है, जैसे मेरे डॉग को पानी बहुत पसंद है खेलने के लिए। लेकिन जब वो बारिश से भीग के बाहर आ गया है सूखे में, तब आप उसका कान को किसी भी कॉटन से हल्का गीला करके पोंछ दीजिए, फिर उसके बाद साफ कॉटन से, सूखे हुए कॉटन से साफ कर दीजिए, तो उससे जितना भी पानी होगा वो सूख जाएगा और आपके डॉग के कान का इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके डॉग को कान का इन्फेक्शन हो गया है तो दोस्तों, दो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये मेडिसिन है और एक ये मेडिसिन है। ये मेडिसिन है दोस्तों 200 रुपए की, जिस पर 10% ऑफ आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगा किसी भी वेटनरी पे। अगर ये आपको नहीं मिलती है तो इसकी जगह पर आप ये वाली मेडिसिन भी ले सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही है। दोस्तों, पहले इस लिक्विड को आप अपने डॉग के कान में पूरा भर दीजिएगा। भरने के बाद आपको अपने डॉग के कान को ऐसे 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 करना है, ठीक है, ताकि उसके कान में सब जगह पर वो लिक्विड लग जाए। उसके बाद कुछ सेकेंड के बाद या 30 सेकेंड या 1 मिनट के बाद आपको कॉटन लेना, कॉटन से साफ कर देना है। और कॉटन आपको 2-3 बार यूज करना है साफ करने के लिए, क्योंकि ये लिक्विड जो होता है, इस लिक्विड का काम होता है जितने भी कान में गंदगी होती है उसको फुला के जो है ऊपर ले आएगा, फिर आपको कॉटन से उसको साफ कर देना है। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मेडिसिन है, ये जो ईयर ड्रॉप्स है, इसकी आपको 4 बूंद अपने डॉग के कान में डाल के छोड़ देनी है, वो अपने आप सूख जाएगा और जहां जहां इन्फेक्शन होगा वो अपना काम पूरा कर देगा। इससे दोस्तों आपके डॉग को जो इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाएगा और आपका डॉग हेल्दी भी रहेगा। लेकिन अगर आपके डॉग को इन्फेक्शन नहीं भी है और नहलाने के बाद हफ्ते में एक बार या फिर आप जो है 15 दिन में एक बार इस प्रोसेस को आप करते हैं, तो आप अपने डॉग के ईयर के इन्फेक्शन होने से अपने डॉग को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं अब आपको जो पूरा प्रोसीजर करके दिखाता हूँ कैसे आपके अपने डॉग का कान को साफ करना है ताकि आपके डॉग के कान का इन्फेक्शन ना हो। तो देखिए, हमने दोस्तों इस जो है मेडिसिन को खोल लिया है, इस लिक्विड को, ये जो लिक्विड है कान साफ करने का लिक्विड है, इसके ऊपर एक ये ओपनर रहता है, इसको आपको ऐसे खोलना है इस तरह से, और आपको यहाँ पे जो इसमें सील लगी हुई है, इसको सील को आप इसी से तोड़ सकते हैं आराम से। ये लिक्विड खुल गया है, इसके ऊपर आपको ये लगाना है, ठीक है। ये अच्छी तरह से लगाने के बाद और इसको ओपन करने के लिए हमें इधर की तरफ घुमाना है, ये डॉट्स पूरा नहीं निकलेगा, ठीक है। घुमाने के बाद हमको अपने डॉग के कान को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और इसके कान में जो है, देखिए गंदगी है, मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ कि इसके कान में जो गंदगी है, ठीक है, ज़्यादा गंदगी नहीं है, हल्की फुल्की गंदगी, क्योंकि मैं प्रोसेस करता रहता हूँ। अब देखिए ये लिक्विड जो है, मैं
चाहिए उसको। मैंने जो पूरा इसके कान में भर दिया है, अब ए रुको, जैसे आप अपने डॉग के कान में डालेंगे तो उसको थोड़ा जलन टाइप की होगी, लेकिन ये जो है थोड़ी देर के लिए होगी क्योंकि उसके कान में जो भी गंदगी होगी उसको साफ करने के लिए। देखिए दोस्तों, आप इसका कान जो है देख रहे हैं, पूरा गंदगी जो है पूरी फूल चुकी है। अब हम जो है कॉटन से इसके कान को साफ करेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से जो है पूरा कान जो है आपको दोस्तों साफ कर देना है। देखिए मैंने साफ हो गया, देख रहे हैं आप कितनी गंदगी निकली है। और मैं इसको इस प्रोसीजर को एक बार और करूँगा ताकि जो और गंदगी है वो भी जो है बिल्कुल साफ हो जाए। लेकिन ये डालते के साथ ही जो है मेरा डॉग जो है इधर उधर भागेगा। ये दोस्तों इस तरह से बिहेव डॉग इसलिए करते हैं, जब आपके भी कान में दवाई डाली जाती है तो आपको भी अजीब सा लगता होगा। तो ये आप तो ह्यूमन है, ये डॉग है, तो भाई ऑब्वियसली बात है इनका रिएक्ट करना इतना तो बनता है। देखना दोस्तों कितनी गंदगी निकल रही है। हाँ नहीं करो नहीं करो नहीं करो दोस्तों, सेम प्रोसीजर जो है आपको दूसरे कान में करना है, ठीक है। तब तक जो है ये वाला कान जो है सूख जाएगा, और हम सेम प्रोसीजर जो है इधर वाले कान में करने जा रहे हैं। देखिए मैं अकेला हूँ तो इसमें करने में दिक्कत हो रही है, अगर आप लोग दो लोग हैं तो एक लोग अपने डॉग का मुंह पकड़ लीजिएगा ताकि जैसे मेरा डॉग जो है इधर उधर हो रहा था वो इधर उधर ना हो। दूसरा कान भी जो है इसका काफी गंदा है, काफी ज्यादा गंदा नहीं है, हल्का फुल्का गंदा है। तो हम जो है दूसरे कान में भी इसके बस। देखिए पहली बार इसको थोड़ा अजीब से लगा था, इसने ज्यादा रिस्पॉन्स इसलिए करा। दोस्तों अगर आपके बड़े बड़े नाखून है तो इस प्रोसेस को करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपने ग्लव्स पहना हुआ हो, क्योंकि अगर आपका नाखून हल्का सा भी आपके डॉग के कान में लग गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चलो उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, ए उधर दिखा, बस नो।
मैं पिटाई कर दूंगा। नो अच्छे गुड बॉय, गुड बॉय ना, गुड बॉय हो ना, गुड बॉय हो ना। कान दिखा, दोस्तों आप देख सकते हैं कान जो है कितना साफ हो चुका है। मैं आपको दूसरा वाला कान भी दिखा देता हूं। ये देखिए दूसरा वाला कान भी देखिए बिल्कुल साफ हो चुका है। अब जो है हम इसके ईयर ड्रॉप्स डालेंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कान साफ हो चुका है, तो अब मैं जो ईयरली ड्रॉप जो है डालने जा रहा हूँ। दोस्तों दवाई का जो आपको अगर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा, तो ये देखिए यहाँ पे जो है फोटो बन के आ रहा होगा। आप ये कौन सी ड्रॉप ऑप्शन में डाल, ये कौन सी ड्रॉप है जो मैं डाल रहा हूँ, और इसकी चार बूंदे जो है आपके कान में डालनी है डॉग को, और अपने डॉग को कायदे से पकड़ के रखना है, क्योंकि देखिए डॉग जो है इधर उधर भागेगा, क्योंकि डॉग के सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो होते हैं कान होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा दोनों ही प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुके हैं कानों को साफ करने का, और उसके बाद उसमें ईयर ड्रॉप डालने का। तो इस तरीके से जो है आप अपने डॉग को ईयर इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, और सेम प्रोसेस कैट के साथ करना है। अगर आपके पास कैट है तो कैट के साथ भी आपको सेम प्रोसेस करना है, सेम मेडिसिन यूज करनी है। इसमें कोई क्वांटिटी नहीं होती, कोई कुछ नहीं, बस ये है कि कैट में आपको दो दो ड्रॉप डालनी है, डॉग में आपको चार चार ड्रॉप डालनी है ईयर ड्रॉप जो है। और वो जो मैंने लिक्विड दिखाया था ये वाला कान साफ करने के लिए, ये आपको पूरा कान में भर देना है ताकि कान का जो मैल है पूरा फूल जाए, उसके बाद आपको कॉटन से साफ। तो दोस्तों मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।